सो लो व्हाट्सअप गॉयज वेलकम बैक टू आवर चैनल आज हम करने वाले हैं अपने जनरल टेस्ट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थ्री पार्ट टू कल आपको नेहा दी ने करवाया होगा बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल सो आई टेक द सेशन बट आपका गैप ना हो इसलिए मैंने उनसे कहा कि वही उसका पार्ट कराकर डाल दें और आज शाम तक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज ही के आज एक इंग्लिश का सेशन भी आएगा जिसमें आपको इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड फिफ्टी एमसीक्यूज कराएंगे कराएंगे यहाँ थोड़ी लंबे सेशन रखती है बिकॉज इंग्लिश उतना ज्यादा मेमोराइज करने की चीज़ नहीं है आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को यहाँ मैं कम एम सी रख रहा रखा हूँ बिकॉज आपको ये याद रखना है ना इसलिए मैं कम एमसी यूज रख रहा हूँ बच्चे बहुत से मुझे कह रहे थे कि सर फिफ्टी एमसीक्यूज कराइए फिफ्टी एमसीक्यूज कराएंगे फिफ्टी क्या टू 500 एमसीक्यू भी एक-एक वीडियो में कराऊंगा लंबी-लंबी दो-तीन -दो दिन घंटे की वीडियो भी कराऊंगा बट अभी वो टाइम नहीं आया है मेरी बात का एक बात ध्यान से समझो कि अभी तीन से चार महीने हैं मतलब साढ़े तीन महीने तो मान के चलो हैं बिकॉज़ पूरा फरवरी पूरा मार्च पूरा अप्रैल तो है ही मई में भी एंड में होता है सो so आपको अभी इनफ टाइम है और अभी बोर्ड्स पे फोकस करो अपने सिर्फ मुझे एक से डेढ़ घंटा चाहिए आप लोग का डेली का जो आप सीवीटी को तो बिकॉज इसे बिल्कुल छोड़ दोगे तो उस टाइम पे दो लगेगा पर अगर थोड़ा सा अपने माइंडसेट में एक मोल्ड बना लोगे ना इसका जनरल टेस्ट का तो आप पढ़ ही रहे हो सीवीटी के के लिए उसके के लिए उसके बोर्ड्स तो वो हो जाएगा रोज का सिर्फ एक घंटा दो जो मैं वीडियो डालता के सिर्फ इसको दो से तीन बार देख लो आपको याद ही हो जाएगा अभी इजी रख रहे हैं लेवल को धीरे धीरे टफ की तरफ बढ़ेंगे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मैं क्वांट्स की और रीजनिंग की सीरीज भी स्टार्ट करा दू तो नंबर ऑफ वीडियो बढ़ जाएगी ना आपकी रोज की तो उससे आपको इशू आएगा भैया बहुत सारी वीडियो है सारी लंबी लंबी है तो आपको इशू

कल नेहा जी ने फिफ्टी क्वेश्चन तक करा दिया था एज शी टोल्ड शी टोल्ड मी सो हम चलते हैं अपने फिफ्टी वन क्वेश्चन से ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो चलो फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिए बात नहीं हु द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ये लिखा हु द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखा है हु द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो उसका आंसर आप सबने देख ही लिया है वैसे तो बट याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पेपर्स में देखा जाता है आंसर इज लॉर्ड माउंट ये पहले गवर्नर जनरल थे आजाद भारत के हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर अब ये है एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जो कि बदल भी सकता है तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को रीचेक करना है और अगर ये बदल गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने करेक्ट आंसर बताना है तो हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर सुमित्र महाजन या फिर सुमित्रा है वो सुमित्रा महाजन या फिर सुषमा स्वराज या फिर बकरम झाकर या फिर ओम बिरला द आंसर इज इज ओम बिर्ला। ओम बिरला बिरला करेंट लोकसभा स्पीकर अब आपको चेक करना है क्या ये चीज अपडेट हो गई है या नहीं इस, इसी के बहाने आप रिसर्च करोगे और आपको वो चीज याद रह जाएगी कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना कि क्या ये अपडेट हुआ है यही है अभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लैनेट विच इज ब्राइटेस्ट हॉटेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज अब वो कौन सा प्लान है जो ब्राइटेस्ट है हॉटेस्ट भी और क्लोजेस्ट टू तो द अर्थ भी है बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के सिंपल जस्ट हल्के से लॉजिक वाले क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे पेपर में तो कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है हॉटेस्ट है और क्लोजेस्ट है अर्थ को ऑप्शन इज मर्क्री वीनस मार्स या फिर नन ऑफ दीज क्या कोई और ही प्लान है जो हॉटेस्ट है आंसर इज वीनस सो देखो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया बच्चे मार्स कर देते सो हॉटेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज वीनस

वरा एंड होगली रोयापुरम एंड वल्लाझा रोड वल्लाझा रोड रूरकी एंड पिरन कलियार तो अब इसका आंसर लगभग सबको पता होगा बॉम्बे टू थाने चली थी सबसे पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी इंडिया की वो ऑपरेट हुई थी बिटवीन बॉम्बे एंड थाने. थानेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक इज मेजर्ड इन जो अर्थक्विक की इंटेंसिटी होती है वो कौन कैसे मेजर की जाती है किस स्केल पे मेजर की जाती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पेपर में आया था मुझे देख के याद आ गया जबकि बहुत मुश्किल नहीं है बट जस्ट आ जाता है बिकॉज जनरल साइंस है स्केल 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 से scale से scale से या scale से वेइंग या द आंसर इज मरकैली स्केल टाइप ऑफ स्केलर लिखा हुआ है बट स्केल है तो इसका आंसर सब लोग गलत कराते हैं लेकिन इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक कैसे मेजर की जाती है मरकैली स्केल से नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म नाइट वॉचमैन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट जो टर्म है नाइट वॉचमैन वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है अब देखो इसका आंसर जिन लोगों को पता है वो समझ गए होंगे कि इंडिया का बहुत ही फेमस स्पोर्ट है उससे जुड़ा हुआ है लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें एक आइडिया दे दूंगा इसका भी तो ऑप्शन है हॉकी टेबल टेनिस पोलो या क्रिकेट इसका आंसर है है क्रिकेट क्रिकेट बट कैसे कैसे नाइट वॉचमैन का टर्म है? टेस्ट मैचेस में क्या होता है जब टेस्ट मैच पांच दिन का मैच होता है सबको पता है जब उसका एक दिन खत्म होने वाला है मान लो आपका कोई बैट्समैन दिन के अंत में आउट हो गया मेन बैट्समैन तो आप अगले मेन बैट्समैन की जगह किसी बॉलर को या पार्ट टाइम बॉलर को भेज देते हो कि आप जाओ बैटिंग कर लो और अभी विकेट को संभालो क्योंकि इसका कारण यह होता है कि आप नहीं चाहते हो कि वो जो दिन है वो दिन एक और मेन बैट्समैन की विकेट से खत्म हो आप चाहते हो कि कोई नॉर्मल बंदा उसको संभाल ले और कल जाके देख लेंगे क्या होना है सो द टर्म नाइट वॉचमैन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट क्रिकेट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत शर्मिंदगी की बात भी है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी फ्रीडम बहुत ही ज्यादा कम है बिकॉज हमारी प्रेस जो है वो ऑनेस्ट चीजें नहीं दिखा पा रही है वो फी नहीं है बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से वो एकदम करेक्ट नहीं बता पाती है बट हम उस उसपे नहीं जाते हैं तो इसमें हमारा इंडेक्स हो गया है पहले था इसका आंसर देखो वन सिक्सटी वन दिखा रहा है ना हां देखो अब ये बहुत नोटिसेबल चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है देखो 2022 में 150 था 2023 में 161 हो गया इसका मतलब क्या है हम और नीचे गिर गए टोटल 185 ही देश है मतलब 180 कुछ ही देश है टोटल वर्ल्ड में उसमें से 160 पे आते हैं हम लोग व्हाट इज दिस समझ रहे हो? मतलब जो प्रेस का फ्रीडम है वो कितना ज्यादा कम है इंडिया के अंदर सो so, ये चीज़ नोटिसेबल है, गाइस, ध्यान रखना है इस चीज का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में हम लोग बहुत नीचे आते हैं 161 हो गई हमारी करंट रैंक नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च कौन से साल में, अच्छा ये योजना बड़ी आती है कम से कम दो क्वेश्चन तो एक से दो क्वेश्चन तो योजना का इससे ध्यान रखना कौन से करंट अफेयर है नए नए योजनाओं की जिन पर बात चल रही है और वो कब लॉन्च हुई थी यह भी आपको देखना जरूरी है सो अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च इन दो हजार सोलह सत्रह चौदह या पंद्रह किस साल में लॉन्च हुई थीड इन टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन बीजेपी के आने के नेक्स्ट ईयर आएगा विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस

वो इसी ऑप्शन में से है तो मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना कमेंट सेक्शन में कि किसकी वजह से हमारे ओजोन लेयर की डिप्लेशन हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे ये बहुत आते हैं क्वेश्चन यार समझ रहे हो मैंने एकदम चुनिंदा टॉपिक्स उठाए हैं जो सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, आपके योजना वोजना भी हेंट कर, तो कर दी इनसे जुड़ी हुई चीजें पढ़ लेना इंपॉर्टेंट डेज वगैरह जरूर पढ़ना बाकी मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन मैं करा ही दू अब कौन से दिन को गुड गवर्नेंस डे कहा जाता है ट्वेंटी फर्स्ट को सेकंड ऑफ अक्टूबर को ट्वेंटी दिसंबर को या सोलह सितंबर को क्सिक्वेंटी बिकॉज क्रिकेट वर्ल्ड कप इज अ वेरी 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 बिग थिंग बिकॉज चार साल में एक बार होता है और अभी 2023 में 2023 में हुआ है तो इससे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाएंगे तो इसको भी कर लेना तो अब बताओ हुआ कहा था सबको सबको होना चाहिए बात तो सबको फाइनल्स में हार गई बट स्टिल आंसर क्या है कहां हो रहा था इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में न्यूजीलैंड में आंसर इज इंडिया एवरी शुड नो दिस ये गलत करके नहीं आना है कहां पर हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप दो का इंडिया में इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड ये क्वेश्चंस बड़े आते हैं इसरो नासा हमारे जो बड़े बड़े हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े हेडक्वार्टर हैं इनकी लोकेशन तो पक्का 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 आएगी तो इन सबको भी मैं आपको कवर करा दूंगा डोंट वरी कहां पर है हेडक्वार्टर ऑफ इसरो पहले तो इसरो की फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओ मैं बता दूंगा नहीं आप लोग खुद करो कमेंट करके ठीक है इसरो बहुत फेमस है लगभग सबको होगा बट कमेंट करो तो भूलोगे नहीं अब कमेंट करोगे तो याद भी हो जाएगा कि भैया ने इसकी लोकेशन भी बताई थी तो क्या है लोकेशन बेंगलुरु न्यू दिल्ली उत्तराखंड या मुंबई आंसर इज इस बेंगलुरु इसरो कहां लोकेटेड है बेंगलुरु

हाँ, मतलब नाइनटी परसेंट ज्यादा ही गलत दे देंगे उन्हें लगता है कि जो सबसे बड़ा बैंक है जो फादर ऑफ ऑल बैंक है वही फर्स्ट बैंक है तो आप देखो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गलत करके चले आते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाल देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, है लेकिन फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान नेक्स्ट इज वॉट इज दफ नाइट्रोजन इन एयर वेरी इजी क्वेश्चन जनल साइंस का हिसाक को पता होगा सेवन परसेंट आंसर है 78 एट परसेंट विच इज वेरी सिंपल और 21 परसेंट के अराउंड होता है ऑक्सीजन और बाकी एक परसेंट में बाकी सारी गैसेस रहती हैं वेयर वॉज द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपिक गेम्स से क्वेश्चन ना आए तो पेपर पेपर कैसे कहलाएगा पहला ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था न्यूयॉर्क में एथेंस ग्रीस में या चाइना में या इंडिया में तो obviously इंडिया में पहले ओलंपिक गेम्स नहीं हुए होंगे क्योंकि हम लोगों ने तो इंट्रोड्यूस भी नहीं किया था एंड आई डोंट थिंक चाइना में हुआ तो ऐसे आप एलिमिनेट करके भी आंसर चेक कर सकते हो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है आप जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो एलिमिनेट करते चलो कि यार ये तो नहीं हो सकता ये तो नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है तो दो में से तुक्का मारोगे तो गलत नहीं जाएगा आंसर है एथेंस ग्रीस पहला ओलंपिक गेम एथेंस में खेला गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गैसेज कैन बी फाउंड ऑन सैटर्न सैटर्न पे कौन कौन सी गैसेज पाई जाती है इट्स नॉट लाइक अर्थ हर तरह की गैस नहीं मिलती तो कौन सी स्पेसिफिक दो गैसे जो पे मिल जाती है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड हीलियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हीलियम अब ये देखो ये क्वेश्चन रटने वाला नहीं है बस एक बार इसको देख के चले जाओगे अगर पेपर में गलती से आ गया तो आप गलत नहीं करोगे इसको बहुत ज्यादा सीरियसली याद मत करने लग जाना इसका आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम याद कर लो कि सैटर्न पे मिलती है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज ओके गाइस सैटर्न पे मिलती है हाइड्रोजन एंड हीलियम डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है अब देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग इसके ऑप्शन कैसे डाले हुए है, हैं देखो अब DBMS ये जनरल कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन है ये भी आ जाता है सो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा मैनेजिंग सर्वर डाटा या डाटा बेस मैनेजमेंट सर्वर अब देखो काफी क्लोज टू ईच अदर वाले ऑप्शन हैं तो इसको गलत भी कर सकते हो बट इसका करेक्ट आंसर जिसको पता है वो तो नहीं करेगा बिकॉज डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट इज गारंटीड इवन टू नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया एक ऐसा फंडामेंटल राइट right है जो अगर आप नहीं भी होना इंडिया के सिटीजन तो यहां पर आने के बाद आपको वो फंडामेंटल राइट right भी इंडिया के अंदर मिल जाता है तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट right है आर्टिकल ट्वेंटी

कल क्या कहता है तू तो मुझे इसका आंसर जरूर बताना अब बताओ कौन सा फंडामेंटल राइट right है जो कि नॉन सिटीजंस को भी मिला है विच इज आर्टिकल 21 शिट मैंने आंसर दिखा दिया चलो ठीक है देख लो यार मैंने तुम लोग के लिए ढूंढ के लिख दिया था कि किस आर्टिकल में क्या चीज मेंशन की जाती है अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ना वो हम हम हर बंदे को ऑफर करते हैं जो भी इंडिया में है विच इज नॉन सिटीजन भी है तब भी उसको आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगा विच राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये बाकी के तीन भी अच्छे से पढ़ लो पेपर में आने के बहुत बहुत बहुत, बहुत चांसेस हैं आर्टिकल फिफ्टीन क्या कहता है फॉरवर्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस कास्ट एक्सेट्रा इस पर एक मूवी बनी थी आर्टिकल फिफ्टीन आई है किसी को याद हो तो आयुष्मान खुराना था शायद उस मूवी में किसी को याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आर्टिकल सेवनटीन में है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या वही जो हमारे यहाँ छू अछूत वाला इशू था उसको अबॉलिश कर दिया गया है अब किसी को अछूत वगैरह नहीं बोला जा सकता आर्टिकल 16 में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स मतलब किसी भी तरह तो का गवर्नमेंट जॉब हो उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे

तो इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी करते थे भीमराव अंबेडकर साहब जाया करते थे तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहां हुई कब हुई थी मतलब किस मंथ में हुई थी ईयर तो बताया हुआ इन्हें अक्टूबर में सेप्टेंबर में नवंबर में दिसंबर में बेसिक हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है इसका ध्यान रखना आंसर है सेप्टेंबर नाइनटीन में हुई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज डू वी है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो इसको तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हम हमारे पास हमारे कंफ्यूजन में दी हुई है आठ है ग्यारह है दस हैं है बारह है कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन है आठ दस ग्यारह बारह सोच रहे हो एकदम क्लोज है बट आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट इसका डेटा आंसर इज इलेवन अब ध्यान रखना फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में फर्क होता है राइट्स मतलब जो आपके हक हैं ड्यूटी मतलब जो आपका कर्म है जो आपको करना चाहिए जिस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए जो आपका फर्ज बनता है दैट इज ड्यूटी राइट जो आपको गवर्नमेंट देती है कि ये आपका हक है आप इसके लिए कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू विच इज द हाइएस्ट अवार्ड इन इंडिया अर्जुन अवार्ड पद्म भूषण अवार्ड भारत रत्न दादा साहेब फालके अवार्ड बहुत सोचो मुझे कमेंट करते हैं भैया अवार्ड एंड ऑनर्स आते हैं क्या बिल्कुल आते हैं। जनरल टेस्ट का पेपर बनेगा ही नहीं बिना हाईएस्ट अवार्ड वगैरह के बना? किस लेडी को मिला पहले वुमेन वाले तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और भी बड़े बड़े अवार्ड्स के बारे में स्पोर्ट्स के ऑनर्स हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है बिल्कुल आते हैं अवॉर्ड ऑनर्स भी पढ़ना पड़ेगा इसलिए कह रहा हूँ ना सिलेबस छोटा नहीं है बड़ा वास्ट है सारे एमसीक्यू मेरे साथ जितने में करा रहा हूँ सब फॉलो कर लोगे तो शायद छोटा लगने लगे ऑप्शन मैंने आपको बता दिया हाएस्ट अवार्ड कौन सा है हाएस्ट अवार्ड इज भारत रत्न आप इस पूरे भारत देश के लिए एक रत्न है वही आप वही ऑब्वियसली हाइस्ट अवार्ड होगा ना अर्जुन अवार्ड ज... अच्छा बाकी तीनों जो अवार्ड है ना वो किस किस फील्ड में मिलते हैं मुझे कमेंट कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग करोगे जो पढ़ेगा उसकी भी हेल्प आपने लिख दिया आपको भी याद हो गया तो अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है पद्म भूषण किसको मिलता है दादा साहब फायल के किसको मिलता है किस फील्ड के लोगों को दिया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेक्स्ट इज वॉट द फुल फॉर्म ऑफ यू अब क्या फुल फॉर्म है यू की इसका आंसर डायरेक्टली दे दिया है आपको ऑप्शंस नहीं दिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा देखा नहीं जाता पेपर में बट अगर दे दिया जाए तो आपको इसको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जरूरी नहीं किसकी फुल फॉर्म आ जाए हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के लिए मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन करता है तो उसका आंसर होना चाहिए यू नेक्स्ट क्वेश्चन The app by Delhi for women in This is नहीं है तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा नारी शक्ति या फिर दिल्ली या फिर हिम्मत प्लस इज हिम्मत प्लस नाम का एक ऐप लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने ही फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस अगर कोई वुमेन है या कोई गर्ल है तो इसको फैलाने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी तरह कोई भी मसला अगर आपको जिंदगी में आ रहा है किसी भी, तरह कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो जरूर 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 इस ऐप को इंस्टॉल करवाइए और सारी विमे, को मैं कि इस को जरूर अपने फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आज मेरा रूल तो यही है आपको पता है मैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको अभी नहीं बताऊंगा ये मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे हु इज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई भी नहीं ऑफ दी अबव सो so आज की सीरीज हमारी यहीं तक की थी अगर आप लोगों ने एंजॉय किया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अ गुड सीरीज और लाइक जरूर करना वीडियो को शेयर कर दिया करो गाइज क्योंकि काफी मेहनत लगती है इस पूरी वीडियो को टाइप करने में आपके लिए रियली पार्ट्स लेकर आने के लिए बहुत इट टेक्स टाइम हार्ड वर्क सो आप लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए ऐसी ही और सीरीज में लाता रहूंगा सो सारी फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मतलब जो भी एफर्ट्स आप लगा सकते हो आप लगाओ जो मैं लगा सकता हूं मैं लगाऊंगा नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं कल की वीडियो में ओके गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स